हम पहुंच चुके हैं तलीताल और ये देखो ताल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आई होप आप भी ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं अपने ननिहाल घूमने के लिए, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हैं और भैया लोग सब आए हैं। तो मैं, भैया और मम्मी जा रहे हैं ननिहाल। तो अभी हमारी गाड़ी खेड़ना गई है, मतलब जिस गाड़ी में हम जाएंगे वहाँ ननिहाल, तो वो अभी खेड़ना गई है। खेड़ना से जब वो आएगी तब हमको मेन रोड में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से गाड़ी में बैठ के फिर हम ननिहाल जाएंगे। वैसे मेरा ननिहाल है नैनीताल के सौड़ साइड को, सौड़ में है। नैनीताल में एक जगह है सौड़ बगड़ करके नाम है उस जगह का। तो मेरा मेन ननिहाल सौड़ में है, बगड़ वैसे दोनों मिले होते हैं ना, जैसे कितने गांव होते हैं जो दोनों मिले होते हैं तो उनके नाम एक साथ लेते हैं, जैसे कफुल्टा चराड़ या ऐसे बहुत जगह होती है, मेरे को उतने नाम नहीं पता है। लेकिन ऐसे ही सौड़ बगड़ भी मिला है, लेकिन मेरा जो मेन ननिहाल है वो सौड़ है। तो हम लोग तैयार हो गए हैं, अब गाड़ी वाले जैसे आएंगे तो हम फिर जाएंगे। तो अभी मैं, हमने फ़ोन किया था तब उन्होंने बोला कि अभी मैं खेलना ही हूँ, जब आऊँगा तो मैं कॉल करूँगा। अभी तक उनका कॉल आया नहीं है, गाड़ी वाले मामा का, वो हमारे मामा ही लगते हैं, उनका कॉल आया नहीं। जब आएंगे तब हम जाएंगे। और अभी आजकल तो यहाँ बारिश आई है, किस किस के वहाँ बारिश आई है मुझे कमेंट करके बताना। मतलब दिन में थोड़ी सी धूप आ जा रही, फिर बारिश आ जा रही, लेकिन आज मुझे मुश्किल लगता है कि दिन में धूप आएगी, क्योंकि जितना गर्म पहले हो रहा था ना उससे बहुत अच्छा हो गया है, गर्मी उतनी लग नहीं रही। और हमारे सारे फूल भी दोबारा खिल गए, मैंने आपको दिखा कि देखो सारे हमारे फूल खिल गए। और इन्हें कहते हैं बटन रोज़। और एक रोज़ का पेड़ ये, इसमें भी रोज़ आई नहीं है। और ये अभी मम्मी ने देखो यहाँ कितनी चीज़ें लगाई है, इसमें भिंडी हो गई, भिंडी लगाई है शायद, और ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगाए। फूल हमने चारों ओर से ऐसे बाउंड्री भी करी की है फूलों की, ये और वहाँ भी फूल लगाए हैं, यहाँ भी फूल लगाए हैं, चारों ओर फूल ही फूल कर रखे हैं। लेकिन लगता बहुत बढ़िया है, जब सुबह उठ के बाहर को देखो तो फूल दिखते हैं और फ्रेश फ्रेश हवा आती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम वेट करते हैं मामा का, और जैसा उतरेगा मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगी। तो गाइस, गाड़ी आ चुकी है और हम अब जाने। तो गाइस, गाड़ी आ चुकी है और हम भी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। अभी मम्मी दरवाजे में अक्षत फेंक रही है, फूंक रही है। हमारे पहाड़ी कल्चर होता है ये कि जब लड़की अपने मायके जाती है तो ऐसे चावल और फूल को ऐसे ससुराल में के दरवाजों में फेंकती है, उसके बाद से उन्हीं चावल को अपने मायके के दरवाजे में फेंकती है। इसे इसको क्यों करते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने भावना दी, कुट्टी दी, भला मेरी जो दोनों दीदियों की शादी हुई है उनको भी देखा, मम्मी, बड़ी मम्मी, चाची लोग सबको देखा है, वो भी ऐसे करता हूँ। और हम सब भी रेडी हो चुके हैं और काटे भी रेडी हो चुका है। और गाइस, हम लोग जाने लग गए हैं जल्दीबाजी में, मामा का कॉल आया कि जल्दी आओ करके, तो मैं आपको दिख नहीं पाई, अरे दिखाए तो। तो गाइस, हम लोग पुल के पास हो चुके हैं। पुल पे बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको ब्लॉक शूट करना इतना वो डेंजरस लगा कि मैं अगर ब्लॉक शूट कर रही हूँ तो यह कट्टा ले जा रहा कहीं इसके हाथ से छीनना लगे, क्योंकि यहाँ बंदरों की बहुत ज़्यादा डर है। और थोड़ी बहुत बारिश होने लग गई है, आई होप नैनीताल में बारिश ना हो, क्योंकि मैं जैकेट नहीं लाई हूँ, मुझे ठंडा लग जाएगा। वैसे बहुत अच्छा मौसम होता है, नहीं तो बहुत गर्मी हो जाती, गाड़ी में बैठने वाला नहीं होता। और देखो यहाँ का व्यू, हम ना थोड़ी बहुत हरियाली होने लगी है। मम्मी और भैया जा रहे हैं, मम्मी आ रही है स्कूटी में, तो देखते हैं पहले मम्मी पहुँचती है या हम पहुँचते हैं। जहाँ कि हम ही पहुँच गए, चलना बहुत कम बचा है, तो मैं आपको सीधे मेन रोड में जाके मिलती हूँ। सब ऐसी बैठे एक की गोद पे।
हमारे साथ पहुंच चुके हैं तली ताल, और ये देखो ताल नैनीताल की। आपने मेरे वो वाले ब्लॉग में तो देखा ही होगा जब मैं गोलू से मिलने गई थी हॉस्पिटल, लेकिन पैरों की बहुत ही हालत खराब हो गई, बहुत ऐसे पक्के बैठ गए और हम जाने लग गए। आगे जब व्यू दिख रहा है देखो कि ये सेम इंडिया का मैप जैसे नक्शा होता है वैसे ही है, देखना कि तो मैं आपको दिखा रहा हूँ भारतीय मैप के आकार में जो यहाँ पर फिश बसा हुआ है, आगे दिख रहा होगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ नैना देवी जलकुंड जो किलबेरी में है। ये देखिए यहाँ का व्यू, ये है इसका मुख्य गेट, यहाँ से एंट्री फीस देखिए आपको दिखा लेता हूँ। यह है यहाँ का शुल्क, प्रवेश शुल्क छोटे बच्चों के लिए 25 रुपये, बड़ों के लिए 50 रुपये, विदेशी व्यस्त के 100 रुपये, और 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे 50 रुपये। अब हम आगे जा रहे हैं पंगोट की तरफ, और यहाँ का नेचर व्यू देखिए आप, ये फॉरेस्ट एरिया है सारी, इसमें बर्ड वॉचिंग भी होती है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं पंगोट, वीडियो कैमरा तो ठीक है, ये है पंगोट के नीचे। गुकु खान का व्यू देखो कितना प्यारा व्यू है, और बादल लगे हैं इस वजह से और प्यारा व्यू आ रहा है। और मैं तो गाड़ी में पूरा सो गई थी, जो भी ब्लॉग दिखाया मामा और भैया ने दिखाया है, तो मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपने कितनी चीज़ें देखी। वैसे तो मैं एडिटिंग करते हुए टाइम देखूँगी, और लेकिन यहाँ की हवा खा रहे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाड़ी में बैठे बैठे पैर हाथ सब दर्द कर रहे थे, अब थोड़ा सा ही बचा है नहीं यहाँ लाने के लिए। लेकिन व्यू देखो, ये व्यू हमारे राती घाट में भी नहीं दिखता, चाहे वो है पहाड़ी एरिया, लेकिन बट जो ये व्यू है वो वहाँ नहीं दिखता है। और यहाँ दुकानें भी हैं, अगर आप कभी इधर को ट्रैवल करते हैं तो आप इन दुकानों में आके कुछ खा सकते हैं। यहाँ पर पंगोट गुगू खान में, और आगे को दुकान है नहीं है ये मुझे नहीं पता, बट इतने एरिया में तो है दुकानें, ये मुझे पता है। लेकिन पैरों की बहुत हालत ख़राब हो गई, तभी मैं थोड़ी देर बाहर आई हूँ जरा हवा करने के लिए। Thank you.
हम घर पहुंच चुके हैं और ये मामा लोग बोल रहे हैं देखो कार्तिक के साथ कैसे भेज रहे, और यहाँ कोहरा लगा है, शायद बारिश होने वाली होगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।